देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम दर्शकों का और पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले अपने तमाम साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही वोटिंग के आधार पर तय करते हैं कि किस मुद्दे पर बहस वो देखना चाहते हैं और दर्शकों की राय के आधार पर ही पब्लिक के मंच के जरिए उन्हें जोड़कर हम बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे धार और रफ्तार देते हैं। आज आपने बहस का जो विषय चुना है वो पंजाब की राजनीतिक उठापटक से जुड़ा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तो कांग्रेस में इतनी हलचल क्यों बढ़ गई, यह सबसे बड़ा सवाल है। 60% लोगों ने इसे वोट देकर देश की बहस का विषय बनाना चाहा है। वैसे कांग्रेस में आज दो डेवलपमेंट थे, कन्हैया कुमार जो जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं और जिग्नेश मेवाणी जो गुजरात के दलित नेता हैं, वो दोनों कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन उससे बड़ी खबर ये बनी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कुछ ही दिन पहले सिद्धू की बगावत और दबाव के बाद और विधायकों के विद्रोह के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था। तब सिद्धू खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे लेकिन हाईकमान उनके नाम पर राजी नहीं हुआ और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। सिद्धू शुरू में तो खूब खुश दिखाई दिए लेकिन एक के बाद एक ऐसी चीजें होती रही कि गुरु एक बार फिर नाराज हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू इस बार इतना नाराज हुए कि उन्होंने सीधे अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया। नवजोत सिंह सिद्धू मंत्रालयों में मंत्रियों के विभाग के बंटवारे से नाराज थे, वो इस बात से नाराज थे कि हाईकमान ने कैबिनेट के नाम डिसाइड करने के लिए बुलाई गई बैठक में सिद्धू को नहीं बुलाया, सिर्फ मुख्यमंत्री को बुलाया। वो इस बात से भी नाराज थे कि अफसरों की नियुक्ति चरणजीत सिंह चन्नी उनसे पूछकर नहीं कर रहे। ऐसे में पंजाब कांग्रेस की क्राइसिस एक बार फिर सतह पर आ गई है। सिद्धू के समर्थन में कुछ इस्तीफे भी हुए हैं। हाईकमान ये कह रहा है कि पंजाब कांग्रेस अपना झगड़ा खुद निपटाए, फिलहाल सिद्धू का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। लेकिन ये फिलहाल की बात है, क्या सिद्धू को एक बार फिर से मनाने की कोशिश होगी और अगर सिद्धू को मनाने की कोशिश होती है तो इस बार वो कौन कौन सी शर्तें रखेंगे और क्या कांग्रेस हाईकमान और पंजाब कांग्रेस उसे मान पाएगी, इसी पर बहस होगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज क्या कुछ हुआ पंजाब की राजनीति में। कुछ घंटों के अंदर पूरी राजनीति बदल गई। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो एक बार फिर पंजाब कांग्रेस में खलबली मच गई। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में लिखा कि इंसान का पतन समझौते से होता है और मैं कांग्रेस के भविष्य और पंजाब की भलाई के एजेंडे से कभी समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। सिद्धू के इस्तीफे के आधे घंटे के भीतर ही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और कहा कि उन्हें नहीं पता कि सिद्धू ने इस्तीफा दिया है। लेट अस सी, मैंने अजे पता नहीं है, सिद्धू साहब नाल बैठ के गल कर लांगे। साडे ऑनरेबल प्रेजिडेंट है, अच्छे लीडर है, ऐसी उन्होंने चौहान नाल प्रधान बनाया, कोई ऐसी गल नहीं। सिद्धू के करीबी और पंजाब कैबिनेट में मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी इस्तीफा दे दिया है। हाईकमांड ने किया जो भी किया, ठीक है, नहीं हाईकमांड ने किया। नवजोत सिद्धू जी बसुलों के आदमी हैं, उनको कोई लालच नहीं है। दूसरी ओर दिल्ली में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद हैं और वो आज भी सिद्धू पर निशाना साधते रहे। अनस्टेबल है और उसने आप ही दिखा दिया कि अनस्टेबल, तो उसको ने कोई रिएक्शन तो होगा ही। विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी कुछ समझ में नहीं आ रही, लग रहा है चूचू का मुरब्बा बन गई है। दरअसल माना जा रहा है कि इस बार सिद्धू पंजाब के नए मुख्यमंत्री के कुछ फैसलों से नाराज हैं, जबकि कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल ने भी इस्तीफा दिया है। देश की बहस में चर्चा है कि आखिर पंजाब कांग्रेस में जो कुछ भी हो रहा है उससे कांग्रेस की कितनी चुनौतियां बढ़ गई हैं। और आपको पता है देश की बहस में एक सवाल पूछते हैं और सवाल का जवाब कार्यक्रम के अंत में दिखाते हैं कि देश के बहस की दर्शकों की क्या राय है। तो आज का हमारा सवाल है, सिद्धू के इस्तीफे से कांग्रेस की अंतर्किला खुलकर सामने आ गई है,
शो के दौरान आप इस मुद्दे पर अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, हाँ या ना में, हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर वोट कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं जो देश की राजनीति को 3 दशक से कवर कर रहे हैं। मेरे साथ शाजिया इल्मी जी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी की। मेरे साथ तहसीम पूनावाला हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं। मेरे साथ अमित बावा साहब हैं, माफ कीजिएगा शाजिया बीजेपी से, जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। तहसीम पूनावाला मेरे साथ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस के समर्थक है। अमित बावा जनरल सेक्रेटरी पंजाब कांग्रेस के हैं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और थोड़ी देर में ही मेरे साथ मंजिंदर सिंह सिरसा जी जुड़ेंगे जो कि अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं। तहसीम, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। आपने तो बोला था, सभी लोग कह रहे थे कि कांग्रेस का दलित सीएम बनाना बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, देखिए इससे कांग्रेस के फॉर्चून बदल जाएंगे। लेकिन हमारे गाँव में कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आना। सिद्धू ने वही कर दिया आपके लिए। हमारे गांव में भी कहावत है दीपक जी कि बच्चा अभी पैदा नहीं हुई मुंडी की। सर आप तो पूना के, आपका गांव कौन सा है बताइए ना। दिल्ली की मीडिया है, ये पूना के पास ही गांव है, लूनी करते अच्छा। हैं ठीक है, तो मूल तो पूना का ही हूँ बट गांव लूनी जो गांव है पूना में उसको शामिल किया गया है। ठीक है, बोलिए। आपको एक बार बता दूं, मेरे दादाजी ने महात्मा गांधी की सेवा भी की थी जब वे जेल में थे। लेकिन मैं आज के मुद्दे पर आता हूँ सर। सर बात यह है कि जब से एक दलित व्यक्ति इस मुल्क का मुख्यमंत्री बना है, इस पंजाब सूबे का मुख्यमंत्री बना है और इस मुल्क का एक लौटा मुख्यमंत्री और सबसे एजुकेटेड मुख्यमंत्री है, तब से सारी ताकतें उसको गिराने में लगी हुई है। अब मैं आपके शो पे एक दावा कर रहा हूं, भी उनमें शामिल है, कांग्रेस 80 पार कर रही है, सिद्धू भी उन ताकतों में शामिल है। तहसीम, क्रॉस क्वेश्चन बनता है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। नहीं, सिद्धू भी उन ताकतों में शामिल है जो दलित मुख्यमंत्री को गिराने में लगी है पंजाब। हां बिल्कुल बनता है। सिद्धू जी भी उन ताकतों में शामिल है। जवाब सुन लीजिए सर। सिद्धू जी एक बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं हो सकता है। मेरी सिद्धू जी से अपील है कि आ जाए संगठन में काम करे। सिद्धू जी संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पर यह संगठन किसी व्यक्ति विशेष के भरोसे पर नहीं चलेगा। ये चलेगा तो सभी लोगों के को उसके साथ में लेकर और गांधी परिवार के नेतृत्व में, और 80 को पार करेगी कांग्रेस पंजाब के अंदर। इस चीज़ को आप नोट कीजिए सर। सर पहले अध्यक्ष को तो मना लीजिए, 80 तो बाद में सोचेगा। अभी ये बता दीजिए आपका अध्यक्ष कौन है, ये तो बता दीजिए सिद्धू जी हैं या नहीं है। स्वागत है। इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू है। जब हाई कमांड एक्सेप्ट कर देगा उनका रेजिग्नेशन और सोचेगा कोई और बनना चाहिए तब उस वक्त कोई और बनेगा। इस वक्त तो सिद्धू जी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन कहाँ आती है सर, मैं आपको बता देता हूँ। कंफ्यूजन वहाँ आती है जब टेरिस पे अमित शाह जी, मोदी जी चलते और नड्डा जी जो अध्यक्ष आते हैं, ऐसा अमित शाह जी उनका हाथ पकड़ते बाहर फेंक देते, यहाँ पर कंफ्यूजन आता है। कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन नहीं सर, वीडियो भी चला है ना, अमित शाह जी नड्डा को पकड़ते फेंक रहे हैं। इसका पंजाब के अंतर्गत से क्या लेना है शाजिया? उन्होंने कहा है कि दलित मुख्यमंत्री को हटाने के लिए सब एकजुट हो गए, तो आपको क्या लगता है सिद्धू जी भी उनमें से एक हैं जो दलित मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं? पता नहीं, अभी से 80 की बात कर रहे हैं, अभी तो लग रहा है वहां पे 80 तुस्सी लस्सी पिस्सी हो रहा है वहां पे और पूरा कॉमेडी सर्कस चल रहा है। अभी भी अभी दलित कार्ड के बड़ी गलती से फ्लूक से इनका एक ट्रम्प कार्ड लगा दलित का और वो मास्टर स्ट्रोक को जो है गुरु हो गए शुरू उनके ऊपर और अब गुरु जी निकल गए हैं बाहर। और मुझे लग रहा है कांग्रेस का भविष्य की जहां तक बात है तो एक तरफ तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, दूसरी तरफ एक कॉमेडी सर्कस है, तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी और एक बहुत बड़ी कॉमेडी के बीच में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं मेरे दोस्त तहसीन। और मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा है और जैसे वो हालत होती है ना कि मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, तो मैं सोच सकती हूँ उनकी व्यथा इस वक्त की, कितने परेशान होंगे, ना कहने को कुछ बन रहा है ना कुछ समझाने को बन रहा है, तो बेचारे डिफेंड करेंगे लेकिन बहुत ही शर्मनाक तौर से सब पूरा सिलसिलेवार ही पूरा किस्सा है। और मुझे लगता है इसमें इतना बेहुदा ये मजाक है लोगों के साथ
क्योंकि आप देखिए कि जो जो मतदाता है, जो पंजाब की सरकार है, पहले तो आप खुद एडमिट करते हैं कि कप्तान जो है उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो बिल्कुल बेकार है। इसलिए 4.5 साल बाद हमें याद आया कि हमें इन्हें हटाना है। फिर 48 घंटे हमने घटनाक्रम देखा, ये आया वो आया, कुर्सियों का म्यूजिकल चेयर्स हमने देखा। फिर चलो गलती से इन्होंने एक नाम पर एक वो बनाया अपना एक नाम पर टिके ये लोग और कहा कि ये तो हमारा मास्टर स्ट्रोक है, दलित नाम है, दलित नाम है, दलित चेहरा है, बहुत अच्छी बात है, सबने का मास्टर स्ट्रोक है। अब उसी नाम को लेकर सिद्धू जी इन पर चढ़ बैठे और वो अब भाग आए। और अब देखिए एक के बाद एक अब लग रहा है पंजाब सरकार पूरी तरह से संकट में है और अब पता नहीं आगे की स्थिति क्या होने वाली है। तो आप देखिए इस पूरे कॉमेडी सर्कस या ट्रेजेडी इसको जो भी बोला जाए, में जवाब दे दूं का खामियाजा जो है कौन भुगते का? आप सब देख रहे हैं इसका हाल। ठीक है, मंजिंदर सिंह सिरसा भी जुड़ गया, तहसीन सिर्फ एक लाइन, फिर मैं विनोद भाई के पास जाऊंगा। सर एक लाइन में जवाब दे दूं जी, सिर्फ एक लाइन। मैं आज पहली बार शाजिया जी की बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। शाजिया जी जब बात कर रही थी वो शो पर पंजाब के शो पर बात दरअसल कर रही थी कर्नाटका में, जहाँ एसआर बोमाई की बेटी को लेटरल एंट्री मिली, मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, वो बात कर रही थी आसाम की, वो बात कर रही थी गुजरात की, वो बात कर रही थी उत्तराखंड में, 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। तो एक मुहावरा शाजिया जी आपके लिए भी, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, छोड़ दीजिए इस चीज़ को शाजिया जी, छोड़ दीजिए, आप ना उत्तराखंड जीत रहे ना पंजाब। चलिए ठीक है, मैं सीधे विनोद भाई के पास चलता हूँ। विनोद जी, आप 3 दशक से राजनीति कवर कर रहे हैं, पंजाब पर जो फैसला हुआ और सिद्धू ने जो रेजिग्नेशन दिया, ये सिद्धू की पॉलिटिकल मैच्योरिटी पर सवाल खड़ा करता है या पंजाब पर जिस तरह का फैसला लिया गया वो कांग्रेस लीडरशिप की पॉलिटिकल मैच्योरिटी पर सवाल खड़ा करता है? आपको क्या लगता है? नहीं, दोनों की पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। जिस तरह पंजाब के पूरे मसले को डील किया गया है वो केंद्रीय लीडरशिप की इमेच्योरिटी को जताता है, क्योंकि ये थोड़ा और सलीके से हो सकता था काम। और सिद्धू साहब ने जो किया है वो उनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी कहें या उनका अपॉर्चुनिज्म कहें, क्योंकि सिद्धू साहब को लगता है कि शायद कांग्रेस के अंदर पंजाब की राजनीति में उनके लिए संभावनाएं खत्म हो गई हैं, क्योंकि एक दलित को मुख्यमंत्री बना करके कांग्रेस जब चुनाव में जाएगी और कांग्रेस सरकार वापस लौटती है तो कांग्रेस को दलित को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, वरना 2024 में उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए सिद्धू साहब, और अगर पार्टी नहीं आती है लौट करके तो वैसे मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। तो सिद्धू साहब को जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो नजदीक जो है सच होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो उनके अंदर इसको लेकर के एक फ्रस्ट्रेशन भी है कि सारी कवायद की उन्होंने कैप्टन को हिलाने की और कैप्टन को किनारे करवाने की, दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ तक दौरे लगाए और सब किया उन्होंने, और पहले प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन बटवाया और आ गए चन्नी, और चन्नी उसके बाद 3 दिन बाद चन्नी साहब ने जो है पूरा एसर्शन दिखाया, उन्होंने अपने पसंद का डीजीपी, अपने पसंद के अफसर, मंत्रिमंडल में विभाग अपने हिसाब से के सेंट्रल लीडरशिप से बात करके। तो चन्नी को रबर स्टैंप समझते थे, लेकिन चन्नी चूंकि दलित नेता के रूप में अपनी छवि बनाना चाहते हैं और वो असर्टिव चीफ मिनिस्टर के रूप में 3 महीने में काम करना चाहते हैं तो उन्होंने उनकी सुननी बंद कर दी। तो सिद्धू साहब दबाव बनाने का आखिरी तरीका है कि शायद कांग्रेस हाईकमान जो है उनकी मान मनोवल करे और कुछ बीच का रास्ता निकाले, वरना सिद्धू साहब के लिए तो अब पंजाब की राजनीति में मुख्यमंत्री बनना तो मुझे अभी आसान दिख नहीं रहा है। ठीक बात है, आपका विश्लेषण अप टू द पॉइंट है, बिल्कुल टू द मार्क है। और मैं इसी बात को अमित बावा जी के पास ले जाना चाहूंगा। अमित बावा जी, विनोद जी ने कहा कि सिद्धू फ्रस्ट्रेट हो गए, उनको पता है कि अगर हार गए तो भी दलित चीफ मिनिस्टर, अगर हार जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर का कोई सवाल नहीं होगा, जीत जाते हैं तो दलित चीफ मिनिस्टर बनेगा ही बनेगा, वरना कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सिद्धू जी इस बात से फ्रस्ट्रेट हो गए कि अब वो सीएम नहीं बन रहे, इसी बात से इस्तीफा दे दिया उन्होंने? फ्रेम दिख नहीं रहा। देखिए, विनोद जी को पूरा अधिकार है दीपक जी अपना एनालिसिस करने का, अपनी प्रतिक्रिया रखने का। जहां तक सवाल इस्तीफे का है, पहली बात तो ये कि सिद्धू जी का इस्तीफा अभी तक कहीं अप्रूव नहीं हुआ है, वो ऑर्गेनाइजेशनल मैटर है, उन्होंने किसी बात पर डिससैटिस्फेक्शन रहा होगा, उन्होंने इस्तीफा दिया है और अभी पार्टी में इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन चल रही हैं, कुछ ना कुछ डिसीजन हो जाएगा। और इस्तीफे के कारण का एनालिसिस करना, मैं समझता हूँ ये ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट करने वाली बात है, क्योंकि पिछले 5-6 दिन में जब से चन्नी जी अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने हैं तो आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा पंजाब और इनफैक्ट सभी लोग जानते हैं, मीडिया के लोग भी जानते हैं कि चन्नी जी और सिद्धू जी में किसी तरह का कोई टकराव नहीं है, रादर बहुत
एक कंफर्टेबली दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, कोई ना कोई इशू रहा होगा, वो ऑफकोर्स इन चीजों को इमीडिएटली पब्लिक करना या उन्होंने शायद नहीं सही समझा, तो ये चीजें सेटल हो जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशनल है। जहां तक सवाल बीजेपी का खुशी का है, चन्नी जी को से जब पूछा गया कि क्या सिद्धू जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि उनको सब कुछ पता है। बाबा जी सुन लीजिए मेरी बात, आज जब उन्होंने लगभग 3:30 प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, तब उनसे पूछा गया क्या सिद्धू जी ने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि हाँ भाई उनको पता है। और बाबा जी आप भी जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या खुशी है जिसको नहीं बता रहे हैं। दीपक जी मैं तो आपकी मुस्कुराहट से एनकरेज होकर मुस्कुरा रहा हूं, और दूसरी चीज ये है कि अब आपने साइकोलॉजी में भी कोई डिग्री रखी है तो मैं नहीं जानता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, एक आदरणीय बहुत पत्रकार हैं और बहुत देर से सम्मान करता हूं, ये चीज मैं कैंडिडली कह रहा हूं, लेकिन आप मनोवैज्ञानिक भी हैं, ये शायद मुझे अभी अभी जस्ट 2 मिनट पहले ज्ञात हुआ कि आप मुस्कान का भी अंदाजा लगा लेते हैं, मुस्कान के कारण विश्लेषण कर सकते हैं। मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देती है। शाजिया जी की खुशी का मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि क्योंकि भाजपा के पास मुद्दा तो कोई है नहीं है ग्राउंड पे, किसानी मुद्दे पर वो बात नहीं कर सकते हैं, संगठन का उनका कोई सर तो पैर नहीं है, कार्यकर्ता उनके घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो उन्हें तो एक बहुत नहीं तो आपकी मुद्दा उन्हें तो मौका मिल गया, सुना दीजिए हाँ मिल गया तो आप क्यों दे रहे हैं, वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, अगर मुद्दा नहीं है तो अच्छी बात है आपके लिए, ऐसा है तो आप क्यों कर रहे हैं ऐसी हरकतें, ऐसा है ये तो आप सिद्धू जी को रोकिए, फिर आप राहुल जी को रोकिए, ये चीज ऐसे कन्हैया जैसे लोगों को, जिग्नेश मेवानी जैसे देशद्रोहियों को जो बाकायदा स्ट्रीट वॉर में यकीन करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, उनको ना लाएं, उनको आधिकारिक मोहर ना दें, कांग्रेस ना बने, जो व्यक्ति देखिए जो व्यक्ति लोकतंत्र की बात करता है वो आपके हिसाब से देशद्रोही है, जो व्यक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करेगा उसे आपने देशद्रोही का मतलब, भाजपा क्या क्या विडंबना है कि भाजपा जैसी पार्टी संघ की विचारधारा आज राष्ट्र प्रेम का सर्टिफिकेट बांट रही है, राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट आप लोग बांट रहे हैं, तिरंगा नहीं रह जो बाकायदा ऑर्गेनाइज करता है, वो ऑर्गेनाइज करता है उस तरह के नारे, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट को कातिल कहता है देश के, उसको अपनी पार्टी में लेते हैं, आपको लगता है, आपको लगता है वो आपकी मदद करेगा, आप मेरे मतलब साथ आप बताइए, और जिग्नेश मेवानी जो कहता है कि सड़कों में लड़ाई होगी, तिरंगे की जय हो, वॉरफेयर होगा स्ट्रीट में होगा सड़कों में, की जय हो, उसके बयान है ऑफिशियल भीमा कोरे गांव में, और ये सब सब लोग जानते हैं, अब अगली बार आप किसको लाएंगे, शर्जील इमान आएंगे आपके पास, आइए दोहराते हैं तिरंगे की जय हो, लाएंगे आप बताइए भाई साहब संविधान, तो आप जो है ना कहीं एक बहुत आपने आधिकारिक मोहर लगाना आप इन दोनों लोगों पर दिखाता है आपका चरित्र, आपको सिद्धू पसंद है, आपको कन्हैया कुमार पसंद है, आपको जिग्नेश मेवानी पसंद है, चरित्र की भारत के लिए, भारत के लेकर आपकी क्या सोच है, राष्ट्र को लेकर आपके मन में क्या है, राष्ट्रवादियों के लिए कितनी नफरत है, राष्ट्र के लिए कितनी नफरत है, वो सब साफ जाहिर है, आप अपने राष्ट्र विरोधी कितनी है कांग्रेस पार्टी, ये साफ दिख रहा है। अच्छा जी जी भाई साहब, आपके तो महान प्रधानमंत्री आप कह रहे ना मुस्कुराने शाजिया जी के प्रधानमंत्री को अमेरिका में उपराष्ट्रपति जी को मौका मिल गया है, तो मौका क्यों दिया आपने बताइए, वो देश के लिए शर्म नहीं है, सिद्धू जी का रिजाइन कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर को आपने निकाला है, प्रधानमंत्री को अमेरिकी उपराष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने आपने उनको शर्मसार किया है, पाठ पढ़ा रही आप है, वो शर्म नहीं है, आपने बनाया आप संविधान के आपने भेजा भाजपा की सरकार। अच्छा दोनों रुक जाइए मैं दोनों के पास आऊंगा, मेरे पास खूब वक्त है एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए, एक दूसरे पर बातें कहने के लिए, लेकिन संगीत रा कीजिए, सबने देखा है सिद्धू जी को भाजपा जी से गले लगते हुए, सबने देखा है, मेवानी जी के बयान सबने सुने हैं, कन्हैया कुमार की मौजूदगी जेएनयू कैंपस में सबने देखी है, ये इल्जाम नहीं है, है। संगीत रागी जी सवाल किस पर उठते हैं, मैंने यही सवाल विनोद जी से पूछा था, उनका कहना था कांग्रेस की लीडरशिप की मेच्योरिटी पर भी सवाल है, इसके बाद मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं सर मंजीदर सिंह जी, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं सिरसा जी, या फिर सिद्धू की मैच्योरिटी पर सवाल है, किसकी मैच्योरिटी पर ज्यादा बड़ा सवाल दिखता है आपको, संगीत रागी जी। देखिए दीपक जी, पंजाब की जो घटनाक्रम है पिछले एक महीने के अंदर,
मुझे लगता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो ज़्यादा जिम्मेदार है पंजाब के अंदर इस प्रकार का जो मिस बना है। देखिए, अमरिंदर सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने पार्टी को दो बार सत्ता में लाया पंजाब में, और एक ऐसे वरिष्ठ आदमी को, ऐसे व्यक्तित्व को यदि आप पंजाब की राजनीति से जलील करके खारिज करते हैं तो ये लगता है कि नेतृत्व ने एक अच्छा रास्ता नहीं उनको दिया एग्ज़िट करने का। एक बेहतर तरीका हो सकता था, हम विनोद जी से बिल्कुल सहमत हैं। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान में मैं कहना चाहूँगा, ये बार बार जो जिक्र किया जाता है दलित के साथ साथ यह भी जोड़ दीजिए कि दलित क्रिश्चियन, एक प्रकार से सोनिया गांधी ने पूरे सिख समाज को एक प्रकार से तमाचा मारा है, जिसके लिए अकाली दल और पंजाब की कांग्रेस की राजनीति भी कन्वर्जन के खिलाफ थी। लेकिन ऐसे एक कन्वर्टेड आदमी को मुख्यमंत्री बना देना, मुझे आपको और आप पंजाब के लोगों से पूछिए, उनमें भी एक प्रतिक्रिया है। यानी कि आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर धार्मिक धर्मांतरण की प्रक्रिया और तेज करेंगे, यह कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के केंद्र में गांधी परिवार के एजेंडे का हिस्सा तो नहीं है? पंजाब एक बहुत सेंसिटिव मामला है। आपको जानकारी दे दूं कि अमरिंदर सिंह ने एक लंबा लिस्ट सोनिया गांधी को सौंपा है कि ये सेंसिटिव मामले हैं और सिद्धू को सत्ता में नहीं, आप सिद्धू को उसके केंद्र में मत रखिए। इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों सिद्धू को केंद्र में वहाँ के पंजाब की राजनीति के केंद्र में कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया, ये जानने का विषय है। रही बात सिद्धू की, तो मुझे कई बार लगता था कि भारतीय जनता पार्टी से जब सिद्धू, 10 सेकंड ज़्यादा नहीं लूँगा आपका, तो मुझे लगता था कि सिद्धू को संभालना बहुत मुश्किल काम है। सिद्धू, एक कहा जाता है, एक कहावत है, माई वे और हाईवे, तो सिद्धू अपने एक, जब भी आप राजनीति में होते हैं आप टीम बिल्ड करते हैं, वी का कॉन्सेप्ट होता है। सिद्धू के साथ वी नहीं है, आई है, मैं हूं, उसी रास्ते पर चलेंगे आप तब स्वीकार है, यदि मेरे रास्ते पर आप नहीं चलेंगे तो मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं है। ठीक है, सच तो यह है कि सत्ता के बंदरबांट में सिद्धू को लगा कि डीजीपी से लेकर के की मिनिस्ट्रियल पोजीशंस ये सारे के सारे उनके हाथ से निकल गए हैं, और पंजाब की राजनीति को जितना वो प्रभावित कर सकते थे वो आने वाले दिनों में प्रभावित करने की क्षमता खो देंगे, और इसी की प्रतिक्रिया में सिद्धू ने रिजाइनेशन दिया है। ठीक है, सीधे मैं सिरसा साहब के पास चलता हूँ। सिरसा साहब, पंजाबी में एक टर्म है, टोटल सियापा, इस नाम से मूवी भी बनी है, क्या यही हुआ है पंजाब की कांग्रेस की राजनीति में? देखो, नवजोत सिंह सिद्धू एक मानव बम है, ह्यूमन बम है, अनगाइडेड मिसाइल हैं, ये कहीं भी जाके फट सकता है, और ख़ास तौर पर वहाँ फटना पक्का तय है। जो इसको संरक्षण देगा, जो इसको सहारा देगा, जो इसको अपने साथ रखेगा, ये उसी को ही करेगा। सबसे पहले तो मेरा अपना आंकलन ये है, जो अभी विनोद जी ने कहा, मेरा पहले दिन से आंकलन है। मैं पंजाब की श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग में बैठा था जब मुझे पता चला कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रेसिडेंट पीसीसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, रंधावा को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। 2-3 मिनट अभी बैठे थे, 5 मिनट अगली मीटिंग की बातचीत शुरू हुई थी, बोले रंधावा को नहीं बिठाया जा रहा, अब किसी और को बनाया जा रहा है। जो उतनी देर में रंधावा साहब गाड़ी लेके गवर्नर हाउस की तरफ चले तो पता लगा अभी चन्नी को बनाया जा रहा है, तो उनकी गाड़ी बीच में रुकवा दी गई। 1-1 घंटे के लिए कई मुख्यमंत्री बने उस दिन, और अंत में सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। मेरा आंकलन उसी वक्त ये था कि आज नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब की कांग्रेस पॉलिटिक्स से मतलब मसला खत्म हो गया, क्योंकि जो विनोद जी ने कहा है, मेरी उसी दिन यही प्रतिक्रिया थी कि किसी भी सूरत के अंदर दलित मुख्यमंत्री को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि पंजाब के बाहर जो दलित मुख्यमंत्री रिप्लेस करने का खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, उसके लिए कांग्रेस कभी तैयार नहीं होगी। दूसरी बात, नवजोत सिंह सिद्धू ने सरदार चरणजीत सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में हल्के में आंक लिया। चरणजीत सिंह जो हैं वो जमीन से चले थे, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को पटकनी दे दी। डीजीपी वो चट्टोपाध्याय को लगाना चाहते थे, इन्होंने इकबाल सिंह सोता को लगा दिया। वो चीफ सेक्रेटरी किसी और को लगाना चाहते थे, इन्होंने और को लगा दिया। उन्होंने नाम दे दिया था अपने, इसका एडवोकेट जनरल का नाम अप्रूव भी हो गया, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने कल अपना देओल को लगा दिया। अब बात आई जो आज सुबह से विषय बना हुआ था, वो था
कि नवजोत सिंह सिद्धू किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे कि रंधावा को होम मिनिस्टर बनाया जाए, गृह मंत्रालय दिया जाए और उनका जो प्रगट सिंह है उसको गृह मंत्रालय ना दिया जाए, ये बर्दाश्त करने को कतई तैयार नहीं थे। ये उनके सीमा जो थी बांध टूट गया, उनको समझ आया मुख्यमंत्री में बन नहीं सकता, जो सत्ता का आनंद लेना चाहता था वो चरणजीत सिंह चन्नी लेने को तैयार नहीं है। तो जो अंत में उनके पास बचा जो हमेशा वो कहा करते थे कि बाबा जी का ठुल्लू, अब बाबा जी का ठुल्लू जब उनके पास बचा तो मुझे लगता है उन्होंने लगा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं छोड़कर भागे। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान किया है। एक बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए, 4.5 साल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह को वो बदल ना पाए, कांग्रेस की क्या मजबूरी थी कैसे लथार्ज मुख्यमंत्री को बनाया, और उसके बाद पंजाब में ये घमासान जो है वो केवल एक कारण से है, अगर दीपक जी आप ये समझ पा रहे हो, रिमोट कंट्रोल से जो केंद्र के अंदर इनकी हाई कमांड है जो दिल्ली में बैठी है, जो रिमोट कंट्रोल से गांधी परिवार चलाना चाहता है, कभी वो रिमोट कंट्रोल राहुल छीन के ले जाता है तो कभी वो प्रियंका छीन कर ले जाती है, कभी वो वापस सोनिया खींच कर ले आती है। तो जो रिमोट कंट्रोल से पंजाब को चलाने की कोशिश की जा रही थी उसके कारण ये सारा आज पंजाब के लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि दीपक जी मुझे चले जाना है, इसके बाद मेरे एक प्रोग्राम है, मैं आपको अंत में एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, इसीलिए श्रोमणी अकाली दल बार बार एक बात कहती है कि जो हमारा देश है ये एक खूबसूरत ढांचा है, इसके अंदर फेडरल सिस्टम ही कामयाब हो सकता है, जो रीजनल पार्टीज हैं वही कामयाब हो सकती हैं क्योंकि उनकी सोच अपने सूबे तक सीमित होती है, और जब रिमोट कंट्रोल से सरकारें बनाई जाती हैं तो फिर ये देखा जाता है ये मेरे नेड़े है, ये मेरे पास में है, तब ये सारे के सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं कि कौन काबिल है और कौन नलायक है। अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मैं तो पंजाब के लिए हाथ जोड़कर अरदास करता हूँ, पंजाब को ये केंद्र शासित जो रिमोट कंट्रोल हैं इनसे किसी तरीके जान छुड़ाने का मौका मिले। 2022 के चुनाव में शायद पंजाब के लोग इस बात को समझ पाएंगे और ये रिमोट कंट्रोल से जो लोग सरकारें चलाना चाहते हैं इस रिमोट कंट्रोल को उखाड़कर बाहर फेंकेंगे। तैसी अकाली दल कह रहा है सिद्धू मानव बम है, अनगाइडेड मिसाइल है, ये तो मैं खुद कह चुका हूं, वो कहां लैंड कर जाए किसी को नहीं पता, आपको क्या लगता है? इन्होंने ये भी कहा कि केंद्र से रिमोट कंट्रोल से सरकारें चल रही है पंजाब के अंदर, बिल्कुल सही है, जब हरसिमरत कौर बादल जी थी सरकार के अंदर तभी ऑर्डिनेंस पास हुआ ना तीनों काले कानून के, और हरसिमरत कौर बादल जी उनका इंटरव्यू भी होगा आपके साथ, उसे डिफेंड कर रही थी उस वक्त, फिर यू टर्न ले लिया। और रिमोट कंट्रोल किसे कहते, सारा बादल परिवार ही इस पार्टी को चला रहा है, उसे रिमोट कंट्रोल कहते। यहाँ पे एक लोकतांत्रिक तरीके से एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया तो सबको बुरा लग रहा है, एक लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी आगे बढ़ेगी, उसे तहसीन ये तो जवाब दीजिए, क्या सिद्धू जी को भी दलित मुख्यमंत्री बनना बुरा लग रहा है? क्योंकि कारण तो यही है ना, इसीलिए तो उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि वो चन्नी से नाराज है, दलित मुख्यमंत्री से नाराज है, तो आप मान लीजिए ना सिद्धू जी को भी दलित मुख्यमंत्री बुरा लग रहा है। पर चन्नी जी का नाम तो उन्होंने ही सजेस्ट किया था मीटिंग के अंदर, चन्नी जी का नाम तो उन्होंने ही सजेस्ट किया था और उन्होंने उसको सपोर्ट भी किया था, और जब उन्होंने ही सजेस्ट किया था, प्रपोज किया था, सभी लोगों ने, विधायकों ने उसको कबूल किया था, तो फिर उनको क्यों बुरा लगेगा? हरीश रावत जी तो ये कह रहे थे 3 दिन से नामता है, और उन्होंने प्रपोज किया था, तो उसने गलत किया। हरीश रावत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, म्यूजिकल चेयर चल रही थी, बिल्कुल सही कह रहे, क्योंकि 3 दिन से तय था और सिद्धू जी ने उसे प्रपोज किया, सिद्धू जी ने प्रपोज किया, वो पीसीसी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने प्रपोज किया, उनका अधिकार बनता है प्रपोज करना, उन्होंने प्रपोज किया, कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नहीं है। एक लाइन कह दूं? हाँ बिल्कुल कह दी दीपक जी, मुझे एक लाइन चाहिए। बिल्कुल, आपके शो पे संगीत रागी जी ने कहा कि कांग्रेस जो है कन्वर्जन में बिलीव करती है और कन्वर्जन कराएगी पंजाब में। मैं ये मानता हूँ, उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आपका एक नेशनल चैनल है, क्या आप इन स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखते हो दीपक जी? बिल्कुल नहीं रखता, और मैं संगीत जी को कहूंगा, संगीत जी आउट ऑफ कंटेस्ट चीजों को ना उठाएं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आउट ऑफ कंटेस्ट चीजों को ना उठाएं, हम पंजाब को डिस्कस कर रहे हैं, हम मेरिट पर डिस्कस करें, हम पॉलिटिकल पॉइंट्स पर डिस्कस करें, हम ऐसे आरोप ना लगाएं जिसको हम सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते। विनोद अग्निहोत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वाकई हरीश रावत का यह कथन ठीक था कि भाई 3 दिन से हमने नाम तय कर रखा था चरणजीत सिंह चन्नी का, और तहसीम कह रहे हैं कि खुद सिद्धू जी ने उनका नाम प्रपोज किया था, क्या ये सच बात है? आप अंदर की खबर जरूर जानते होंगे। दीपक जी, हरीश रावत जी जो कह रहे हैं वो उनके कथन को झुठलाऊंगा नहीं, वो पार्टी के प्रभारी हैं वहां के, उनका अपना कहना होगा, लेकिन मीडिया में हम लोग जो सुन रहे थे, जो जान रहे थे कि पहले सुनील जाखड़ का नाम चला, उसके बाद रंधावा जी का नाम चला, उसके बाद जो है बीच में जो है सिद्धू का भी नाम चला, और उसके बाद फिर चन्नी जी का नाम आया।
लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जो हमारे मित्र संगीत रागी जी ने दलित क्रिश्चियन वाली बात कही है, इस देश में दलित क्रिश्चियन राष्ट्रपति भी हो चुके हैं। इस देश में वाईसर रेड्डी जो है, जगन मोहन रेड्डी के पिताजी, वो भी क्रिश्चियन थे, और जगन मोहन रेड्डी भी जो है नॉर्थ ईस्ट में तमाम सारे क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो देश के संविधान में कहीं क्रिश्चियन या मुस्लिम या हिंदू की किसी एकाधिकार नहीं है, सब कोई भी बन सकता है जिसको विधायक चुने या सांसद चुने, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। तो इसलिए ये सवाल उठाना मतलब मुझे लगता है अप्रासंगिक है। अब वो उसको कन्वर्जन के एजेंडे से जोड़ देना और वो जोड़ देना, तो ये तो मुझे लगता है कहीं एजेंडा दोनों तरफ है। मैंने कह दिया कि मैं इस पॉलिटिकल एलिगेशन से इत्तेफाक नहीं रखता, सीधे बाबा साहब के पास चलूंगा। बाबा साहब, क्या सिद्धू जी भी इस बात से नाराज थे कि एक दलित मुख्यमंत्री बन गया? बताइए हकीकत क्या है, सच बताइएगा। दीपक जी, हमको, मैं आ रहा हूँ संगीत जी, आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। देखिए दीपक जी, मुझे उत्तर देने का मौका दीजिए। बिल्कुल दूंगा। पहले जो सिरसा जी अभी बात करके गए थे, मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस और अकाली दल या भाजपा में एक बुनियादी अंतर है। अकाली दल में पिता मुख्यमंत्री, बेटा उप मुख्यमंत्री, बेटे का साला मंत्री, बेटे का जीजा मंत्री, रसोइये बहरे ना जाने कौन कौन मंत्री या और पदाधिकार। कांग्रेस पार्टी में यदि चरणजीत चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो वो मात्र एक दलित होना वॉज नॉट दी उनकी ओनली क्वालिफिकेशन। वो एक पढ़े लिखे ग्राउंडेड एक यंग लीडर हैं पंजाब में, और उनको अगर मुख्यमंत्री बनाया गया और वो दलित समाज से वास्ता रखते हैं, तो मैं समझता हूँ ये क्रांतिकारी फैसला है। इसने ऑपोजिशन की जड़ें हिला दी। आम आदमी पार्टी अकाली दल भाजपा को समझ नहीं आ रहा क्यों नाराज हुए, क्योंकि ये लोगों को, ये लोगों का मूर्ख, सॉरी, क्रांतिकारी फैसले से सिद्धू जी खुद क्यों नाराज हो गए बाबा साहब, ये समझा दीजिए ना प्लीज। दीपक जी, मुझे ये बताइए, ऑन रिकॉर्ड चैनल पे मैं जिम्मेवारी से आपसे पूछता हूं, बड़ी बड़ी विनम्रता से, कहां पर सिद्धू जी के इस्तीफे में चन्नी जी का या दलित मुख्यमंत्री का जिक्र है? मुझे एक जगह बता दीजिए, कोई ट्वीट में, किसी स्टेटमेंट में, कहीं पर भी। ये सिर्फ मीडिया के द्वारा फैब्रिकेटेड चीजें हैं, अनुमान है, ये कारण होगा, डीजीपी लगा दिया, एडवोकेट जनरल लगा दिया, उसको मंत्री नहीं बनाया, इसको मंत्री नहीं बनाया। नहीं बाबा जी, मैं आपको करेक्ट करूंगी। दीज आर ऑल असम्पशंस। उन्होंने क्या लिखा है? दीज आर ऑल असम्पशंस। नहीं नहीं, मैं आपसे, देखिए मैं बहुत इज्जत के साथ आपसे बात पूछूंगी। उनके त्याग पत्र में क्या लिखा है कि मैं पंजाब के भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकता, यानी कि जो भी कांग्रेस की विजन थी पंजाब को लेकर, तो उस वो जाहिर सी बात है चन्नी जी को लेकर थी, तो उससे ही तो वो इत्तेफाक नहीं रखते ना, और किस चीज और क्या विजन मैडम तो नहीं जिससे आप सिर्फ नहीं तो कौन सी मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या भविष्य में उनको दिख रहा था। ऐसा डॉट्स कनेक्ट मत कीजिए, डॉट्स कनेक्ट मत कीजिए। नहीं तो क्या कनेक्ट करें बताइए ना, क्या कनेक्ट करें आप बता दीजिए, वही कनेक्ट कर लेते हैं। पिछले 5 दिन में बहुत कुछ हुआ है। ये तो सिर्फ सिद्धू जी जानते हैं। सुनिए बाबा साहब, सुनिए, मैं शब्दशः कोट कर रहा हूँ, इसका मतलब बता दीजिएगा। एक मिनट बाबा साहब, मैं शब्दशः कोट कर रहा हूँ, श्रीमती सोनिया गांधी 28 सितंबर 2021 अध्यक्ष कांग्रेस, इंसान का पतन समझौते से होता है, यानी पंजाब की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते सिद्धू साहब को समझौता करना पड़ा है। इंसान का पतन समझौते से होता है, और मैं कांग्रेस का भविष्य और पंजाब की भलाई के एजेंडे से कभी समझौता नहीं कर सकता। क्या समझौता किया भाई उनने? यही तो डिसीजन हुआ ना पॉलिटिकल, चन्नी साहब मुख्यमंत्री बने, एक कैबिनेट बनी, उनकी नहीं सुनी गई, आगे सुनिए। इसीलिए मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमेटी के पद से इस्तीफा देता हूँ, कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। मुझे बताइए ना क्या समझौता हुआ है, मुझे बताइए ना बाबा जी। दीपक जी, ये त्याग पत्र अप्रूव नहीं है। अरे सर, उन्होंने आपने पूछा कहाँ लिखा, तो मैंने आपको बता दिया कहाँ लिखा। बाबा जी आपने पूछा कहाँ लिखा, तो मैंने बता दिया कहाँ लिखा कि पार्टी से किस बात से नाराज है। मुख्यमंत्री, आप गलत बात कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के साथ कैसे जोड़ सकते हैं इस चीज को? आप क्या फैसला हुआ पंजाब में पिछले 10 दिनों में, मुझे बताइए ना बाबा जी, क्या बड़ा फैसला हुआ, क्या बड़ा फैसला हुआ 10 दिन में जो समझौता लग रहा है सिद्धू को, क्या बड़ा फैसला हुआ जो समझौता लग रहा है सिद्धू को, मुझे बताइए ना, क्या बड़ा फैसला हुआ पंजाब कांग्रेस में, पंजाब सरकार में जो समझौता लग रहा है सिद्धू जी को, टिप्पणी की, अरे मुझे बताइए ना क्या समझौता लग रहा है सिद्धू जी को भाई, क्या पंजाब की भलाई के खिलाफ है बताइए ना, क्या पंजाब की भलाई के खिलाफ है टिप्पणी की, मुझे बताइए ना, मेरी बात का जवाब दीजिए।
आपने कहा कि वो चन्नी जी से नाराज है। आप मुझे बताइए उन्होंने कहां चन्नी जी का जिक्र किया? सर एक और क्या समझा जाए, बाबा साहब कह रहे सब कुछ ठीक ठाक है, हंकी डोरी है, सब मिठाई खा रहे हैं, अपना पिस्ता बादाम बांट रहे हैं, पटियाला घर में सिद्धू साहब पार्टी कर रहे हैं अपने विधायकों के साथ, एक आदमी इस्तीफा जेब में लेके घूम रहा है, दूसरा भी घूम रहा है, पर बाबा साहब मानने को तैयार नहीं है, तहसीम भी मानने को तैयार नहीं। देखिए दीपक जी, आप जो इंटरप्रिटेशन पत्र का कर रहे हैं उसके दो इंटरप्रिटेशन, एक जो आप कह रहे हैं कि चन्नी से नाराजगी है मुख्यमंत्री से, अगर मुख्यमंत्री कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं उस सिद्धांत से तो इसका मतलब कांग्रेस हाईकमान कर रहा है, दो ही लोग तो फैसला कर रहे हैं, राज्य के स्तर पर सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री फैसला कर रहे हैं, केंद्रीय स्तर पर हाईकमान कर रहा है, तो या तो हाईकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर ये कॉम्प्रोमाइज किया है, या फिर चन्नी जो काम कर रहे हैं उसके जरिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कोई तीसरा तो नहीं हो सकता है। तो सवाल ये है कि सिद्धू को स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से सिद्धू ने इस्तीफा दिया है, अगर उनको नाराजगी थी तो वो पार्टी हाईकमान के पास जा सकते थे, कहते कि ये हमको शिकायत है, ये ठीक कराइए नहीं तो मैं इस्तीफा दूंगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया, वहां से पार्टी को पता चला। मुख्यमंत्री कह रहा मुझे नहीं मालूम, उससे पहले कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे, सीएलपी के नेता वो थे, लेकिन सीएलपी की बैठक बुलाई गई उनको नहीं पता। तो भाई कौन फैसले लेता है, कैसे तय होता है? मुख्यमंत्री को पता नहीं कि उसके अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, जो अध्यक्ष दावा कर रहा है कि उसी ने मुख्यमंत्री बनवाया है, उधर कैप्टन साहब थे तो सीएलपी की बैठक हो रही उनको पता नहीं है, ठीक है। तो ये जो पार्टी, ठीक है, आपने बिल्कुल पॉइंटेड बात कही। कुलदीप सिंह छाबड़ा मेरे दर्शक इंदौर से जुड़ गए हैं, कुलदीप क्या कहेंगे पंजाब की सिचुएशन पर, उसके बाद मैं बाबा साहब से इसी सवाल का जवाब लूंगा जो प्रदीप जी ने कहा। तहसीम को जोड़िए प्लीज। नमस्कार चौरसिया जी, बताइए कुलदीप जी। सिद्धू की हालत यह हो चुकी है कि वो ना घर का है ना घाट का, धोबी का कुत्ते की जगह आजकल कहावत हो गई है, धोबी का सिद्धू। प्लीज प्लीज, आप नेशनल टेलीविजन पर है छाबड़ा जी, मैं यहीं रुकूंगा, इन शब्दों का इस्तेमाल ना करिए, कहावत है मैं जानता हूं, पर किसी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नेशनल टेलीविजन पर मत करिए। मैं सीधे बाबा साहब से, आप प्रदीप सर से भी डिसएग्री करेंगे फिर बाबा साहब? प्रदीप साहब ने साफ साफ कह दिया क्या है वस्तु स्थिति, या तो समझौता कांग्रेस हाईकमान ने किया या चन्नी जी ने किया, किसने किया आप मुझे बता दीजिए। दीपक जी, जब तक इस बात पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं आता है तब तक सर ऐसी बात पे पार्टी में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देता है? अनुमान है, अनुमान लगाने का हर किसी को अधिकार है, आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं, विनोद जी लगा सकते हैं, छाबड़ा जी लगा सकते हैं, ऑपोजिशन लगा सकती है, तो थोड़ा समय इंतजार कीजिए इस पर। जो भी अभी अधिकृत अभी इस पर मीटिंग्स चल रही हैं, आप भी जानते हैं पटियाला में मीटिंग्स चल रही हैं, दूसरे भी और चल रही हैं बहुत सारी चीज़ें, अधिकृत जो भी इसके ऊपर फाइनल डिसीजन होगा वो बड़ी जल्दी सबके सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं सीधे संगीत रागी जी के पास चलता हूँ। संगीत रागी जी, एक मुद्दा आपने उठाया, विनोद जी ने भी खंडन किया, तहसीन ने भी कहा, और मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे मुद्दों का ना उठाया जाए जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस वक्त नहीं चल रहे, मतलब अननेसेसरी एक नॉन इशू को इशू ना बनाया जाए। आप क्या कहेंगे जो बाबा साहब ने क्या कहा है उस पर? देखिए दीपक जी, मैं सबका सम्मान करते हुए, अब विनोद जी ने शब्द का प्रयोग किया अप्रासंगिक है, देखिए कोई भी चीज़ें ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो अप्रासंगिक नहीं होती हैं, ये आपका विश्लेषण हो सकता है, किसी और का विश्लेषण हो सकता है, हम सभी विश्लेषण कर रहे हैं ना, आपके पास तथ्य है, वैसे मैं भी कह सकता हूं कि आपके पास तथ्य क्या है, यदि कांग्रेस नेतृत्व ने इमैच्योरिटी किया है तो ये हम विश्लेषण कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, ये हमारा एक तर्कसंगत आकलन है। मैं वही बात उनके साथ कर रहा हूं, एक पंजाब एक सिख स्टेट है और उस स्टेट में एक भी सिख ही नहीं मिला उनको, एक दलित क्रिश्चियन ही मिला, और ये काम तो श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में, आपने सही कहा, सिर्फ पंजाब में ही नहीं आंध्र प्रदेश में भी ऐसा नेतृत्व खड़ा किया गया था, आपने ठीक बोला था, वाईएस रेड्डी को ऐसे ही वैसे ऐसे नहीं खड़े हो गए थे,
एकाएक नहीं खड़े हुए थे, वो सोनिया की पसंद थे, वो वहां के लोगों की पसंद बन करके बाद में बने, लेकिन पहले वो सोनिया गांधी के पसंद थे। और ऐसे कोई एक दो वाक्य नहीं है, ऐसे कई वाक्य गिनाए जा सकते हैं। इसलिए इन चीजों को कहना कि इनके पीछे कोई ऐसा तर्क नहीं है, मुझे लगता है कि इन चीजों को थोड़ा सा गहराई से सोचने की आवश्यकता है। विनोद जी, विनोद जी जवाब देंगे। दूसरी बात, एक और बात बताना चाहता हूं। दूसरी बात, पंजाब की राजनीति में ये अभी सिरसा जी ने बिल्कुल सही कहा, अभी उन्होंने कहा कि भाई होम मिनिस्टर रंधावा को बनाने देना नहीं चाहते, उनके प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए उनको परेशानी हुई। एक और बात, कांग्रेस नेतृत्व बहुत बहुत मजे से कह गए कि भाई एक बादल परिवार में ऐसा होता, मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व का क्या हाल चाल है भाई? राहुल गांधी एक सांसद हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा एक जनरल सेक्रेटरी हैं, और सारे फैसले ये माँ बेटा और बेटी मिलकर के तय करते हैं, कौन आगे क्या बनेगा ये माँ बेटा बेटी तय करते हैं। अरे ये कोई लोकतंत्र है साहब, और इसको जो है वो तथाकथित प्रगतिशील पत्रकार भी इसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, पता नहीं कौन सा लोकतंत्र उनके पीछे उनमें दिखता है। मुझे बस इतना ही कहना था। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ विनोद जी के पास। विनोद जी एग्री करते हैं संगीत रागी जी से, जो उन्होंने तर्क दिया कि भाई सब कुछ एक्सीडेंटली नहीं होता? देखिए, एक्सीडेंटली तो कहीं नहीं होता, किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं होता है। और इस वक्त लोकतंत्र, राजनीतिक पार्टियों के अंदर कितना लोकतंत्र है इस पर कभी चर्चा करा लीजिएगा, तो हम मैं बहस करने को तैयार हूँ किसी भी राजनीतिक पार्टी में। और चूंकि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए कांग्रेस में फैसले कैसे होते हैं इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन वाईएसआर रेड्डी के बारे में जो संगीत रागी ने कहा, वाईएसआर रेड्डी पीसीसी प्रेसिडेंट होने के बाद हर गांव में घूमे थे, चंद्रबाबू नायडू के 10 साल के शासन को उखाड़ने के लिए हर गांव में रात बिताई थी उन्होंने, और जितनी मेहनत की थी संगीत रागी जी, उतनी मेहनत आंध्र प्रदेश में उसके बाद किसी दूसरे कांग्रेसी नेता ने नहीं की, तब जाकर के 10 साल चंद्रबाबू नायडू का शासन जो है वो तोड़ पाए थे। अब वो क्रिश्चियन थे कि रेड्डी थे, ये आंध्र प्रदेश की जनता ने तय कर दिया उनको लगातार दो बार मुख्यमंत्री बना करके, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि चन्नी जो है अचानक नहीं लाए गए, चन्नी 3 बार के विधायक हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, वो 2 बार मंत्री रहे, और वहां के दलित राजनीति का ये, आप उसको दलित क्रिश्चियन कहते हैं, मैं तो दलित राजनीति इसलिए कहता हूं कि क्रिश्चियन होने के बाद भी दलित ही रहता है इस देश में, मुस्लिम होने के बाद भी वो ओबीसी रहता है, जाति तो इस देश का बड़ा सच है। अब जन्नी कितने क्रिश्चियन है तो बाबा जी बताएंगे, मुझे नहीं पता उनके बारे में, तो आप लोगों से सुनता हूं। वो तो गुरुद्वारे भी गए, शपथ लेने से पहले गुरुद्वारे में जाके मत्था टेका उन्होंने, कतलगढ़ गुरुद्वारे में, और बराबर जो है वो वहां रागी और वो साखी और शबद पढ़े उन्होंने। अब ये तो मैं नहीं जानता कि उनकी वो धार्मिक विश्वास उनका क्या है, लेकिन जो आप कह रहे हैं, अब ये बताइए, जब के आर नारायण राष्ट्रपति बने थे तो किस एजेंडे के तहत बने थे? अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम अगर राष्ट्रपति बने थे तो क्या अटल जी का कोई एजेंडा था? नहीं, एजेंडा नहीं था, उनकी योग्यता थी एपीजे अब्दुल कलाम की। तो कांग्रेस पार्टी को चन्नी में कोई योग्यता दिखी होगी? आप उसको आप क्रिश्चियन ले आइए कल को, आप तो मैं कहता हूं कम से कम भारतीय संविधान सबको इजाजत देता है इस देश में मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक बनने की, और जब तक भारतीय संविधान इजाजत देता है तब तक कोई पारसी भी बन सकता है, कोई क्रिश्चियन भी बन सकता है, कोई हिंदू भी बन सकता है, कोई मुसलमान भी, कोई सिख भी। अच्छा ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज संगीत रागी जी, इस बहस को यहीं रोक दिया जाए, ये बहस मौजूद नहीं है। ना संगीत जी, बहुत देर तक हमने डिस्कस कर लिया और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई रिलेवेंस है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, प्लीज मान जाइए मेरी बात, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है मेरी नजर में, क्योंकि आज मुद्दा सिद्धू है, आज किसको मुख्यमंत्री बनाया गया, किसको नहीं बनाया गया, ये दीगर बात है। दीपांजलि जी दिल्ली से मेरे एक दर्शक जुड़ गए, दीपांजलि जी क्या कहेंगी सिद्धू जी के इस्तीफे पर? जी दीपांजलि जी बोलिए, क्या कहेंगी सिद्धू जी के इस्तीफे पर? चलिए दीपांजलि जी, मैंने 2 बार कोशिश की आपसे सवाल पूछने के लिए, लेकिन अब मैं सीधे चलता हूं यहां से शाजिया के पास। शाजिया, क्या पॉलिटिकल फॉलोआउट आप इस सिचुएशन का देख रही हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर ना तो 3 में है ना 13 में, फायदा तो कोई और ही ले जाने वाला है इसका। देखिए बिल्कुल, और मुझे लगता नहीं है कि हमारा कोई इसमें लोकस है या कोई, हम ये सही बात है कि हम किसी की पार्टी के इंटरनल सर्कस पर कुछ सवाल पूछें या, लेकिन आप देखिए जिस तरह से हम लगातार सिचुएशन बदल रही है, और आप देखिए कि खुद उनका एडमिशन है
खुद बाकायदा ये मानते हैं कि कैप्टन जो थे उनका काम खराब रहा है और इस वजह से 4.5 साल बाद उनको याद आया और उनको बेइज्जत होकर बेआबरू होकर आपने निकाला। और आपने ऐसा भी नहीं कि दलित सीएम का चेहरा एक फर्स्ट चॉइस रहे, उसमें भी एक बड़ा सर्कस देखने को मिला। लड्डू आए, लड्डू छीने गए, बीच में गाड़ियां आई, गाड़ियां रुकी, ब्रेक लगा उन पर, अब फिर और कोई आया तो वो भी सब देखा। अब एक और हम एक उसमें घटनाक्रम देख रहे हैं, तो वो भी सब दुनिया के सामने है कि आप कितने सीरियस हैं उस दलित कार्ड को लेकर भी, जिस जो मतलब आपने जिस फ्लूक से जिस ट्रंप कार्ड को आपने खेला वो उसका उसकी भी असलियत सामने आ गई है। और दूसरी तरफ आप मेवानी जैसे लोग और कन्हैया कुमार जैसे लोगों को ला रहे हैं, तो कुछ अब ये दर्शाता है, लोगों को बताता है कि कांग्रेस किस तरह से सोचती है, किस तरह का चरित्र उनको भाता है, किस तरह से वो आकलन करते हैं, किस तरह से वो देखते हैं राष्ट्रवाद को, किस तरह से किस तरह के लोग उनको चयन क्या है। और दूसरी बात, बाबा जी अभी कह रहे थे कि जो कोई भी बात होगी उसमें चन्नी जी से कोई लेना देना नहीं है। अब जाहिर है या तो आला कमान ने कुछ ऐसा किया होगा या तो चन्नी जी के चयन जो कि मंत्रिमंडल से लेकर होगा उसका कुछ लेना देना होगा। ऐसा तो कुछ जाहिर सी बात है, कुछ हुआ है ना जो उनको पसंद नहीं आया है। ये कह देना कि उनका कुछ लेना देना ही नहीं है चन्नी जी के मंत्रिमंडल विस्तार से या नया जो वो है और या नए डिसीशन से, और ये कहना कि मैं पंजाब के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा, समझौता नहीं करूँगा, ये काफी सख्त शब्द हैं। ये कोई तो कुछ ना कुछ तो कहना चाह रहे हैं। और फिर शक्ति प्रदर्शन, आप देखिए एक एक करके मंत्रियों का निकलना, ट्रेजरर का निकलना बाकायदा बयानात के साथ, ठीक है, क्या दिखाता है? ठीक है, सीधे मैं चलता हूँ बाबा साहब के पास। बाबा साहब, सुनील जाखड़ ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस को धोखा दिया है, राजनीति कोई क्रिकेट का मैच नहीं है, और वो ये भी कह रहे हैं कि इसको माफ नहीं किया जा सकता। आप क्या कहेंगे? आप एग्री करते हैं सुनील जाखड़ जी की बात से? और यदि आप मेरे रीजंस को नहीं मानते तो आपके हिसाब से सिद्धू जी ने क्यों इस्तीफा दे दिया? क्या कारण है उनके इस्तीफा देने का? मैं पहले त्रागी जी और शाजिया जी की बात का जवाब जरूर दूंगा कि जो बात त्रागी जी ने कही, मुझे लगता है कि इतने जिम्मेवार चैनल पर ऐसी बात शोभा नहीं देती है, और मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने उसे स्नब किया। परंतु जो लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं वो लोग ऐसी होछी बातें राजनीति के साथ जोड़ना, मैं समझता हूं बहुत अत्यंत निंदनीय है। और शाजिया जी जहां तक बात कर रही थी राष्ट्रवाद की, कन्हैया कुमार की, और मैं इनसे और इनके आपके चैनल के माध्यम से सबसे सवाल करता हूं कि लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाली उस पार्टी की इन नेत्री शायद ये भूल गई कि दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने अमरीकी उपराष्ट्रपति ने लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, ये ऑन रिकॉर्ड है। इस पर ये अपना स्पष्टीकरण दे कि जो नेशनल शेम, राष्ट्रीय बेशर्मी वहां से बटोरकर आपके प्रधानमंत्री ने, आपके नेता ने लाकर इस देश के नागरिकों को दी है, 1.25 करोड़ भारतीयों को दी है, पहले उस पर स्पष्टीकरण दे, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को पाठ सिखाया। आपकी पार्टी जिस विचारधारा में आप विश्वास करते हैं, आप 56 साल तक तिरंगा नहीं लहराते, आप लोगों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे, आप सर्टिफिकेट बांटेंगे नेशनलिज्म के ऊपर, आपकी पार्टी के नेता देशद्रोह के, आपकी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े जाते हैं, आतंकी हमलों में पकड़े जाते हैं, आप राष्ट्रवाद पर पाठ पढ़ाएंगे लोगों को? आज देश की जीडीपी गिर गई, नौजवान बेरोजगार है, किसान बॉर्डर पर बैठा है, ये मुद्दे नहीं है। आपको मुद्दा चाहिए पाकिस्तान, आपको मुद्दा चाहिए बेरोजगारी, बर्बादी तक जंग चलेगी। आज देश का अन्नदाता किसान सड़क पर है, नारे लगाने वालों को गिर गई है, रुपया मुझे ये तो बताइए सिद्धू जी ने इस्तीफा क्यों दे दिया? बाबा साहब ये तो बताइए, आप जवाब दीजिए बाबा साहब, सब बात सही है, सब बताइए, सब बात सही है आपकी, ये तो बताइए बाबा साहब सिद्धू जी ने इस्तीफा क्यों दे दिया? सर्टिफिकेट बांटने निकले नागपुर के कार्यालय से सर्टिफिकेट बांटने, बाबा साहब जानबूझ के सवाल नहीं सुनना चाहते, बाबा साहब ये तो बता दीजिए सिद्धू जी ने इस्तीफा क्यों दे दिया? करनी पड़ी दीवारें, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में दीवारें करनी पड़ी, सलाम सज्जदा आपके विकास को, विजेंद्र मेरे दर्शक दिल्ली से जुड़ गए,
बाबा साहब मेरा सवाल नहीं सुनना चाहते, फिर वही सवाल उनसे पूछूंगा, सिद्धू जी ने इस्तीफा क्यों दे दिया। लेकिन उससे पहले विजेंद्र, मेरे एक दर्शक दिल्ली से, विजेंद्र क्या कहेंगे पंजाब की इस राजनीतिक सिचुएशन पर? पंजाब की इस राजनीति के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक हमारे में कहावत है कि चूहे को पाई हल्दी की गांठ और पंसारी बन बैठा। नवजोत जी के साथ बिल्कुल सेम यही कंडीशन हुई, थोड़ी सी उनको इम्पोर्टेंस मिलने लगी तो वो अपने आप को पता नहीं क्या शख्सियत समझने लगे और गेम चेंजर के रूप में एक उभरता अपने आप को देखना चाहते थे और कभी मुख्यमंत्री पद के लिए खुद दावेदारी ठोक रहे थे, अब दूसरे को बना दिया, अब पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जनता जागरूक है, समझदार है, वो समझती है ये सब इनकी ढकोसलेबाजी और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी लोगों को धोखा देती आई है उसी तरीके में अब सब लोग समझ गए। ये आपका विचार है, ये आपका विचार है विजेंद्र, और एक डेमोक्रेसी में आप अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र। में एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा तो प्रदीप सिंह जी से शुरुआत होगी।